por ahí, cabrón. O por ahí, creo que echan la chile. Oye, problema que el chile ni aquí, que voy a mí por sector. La chile, dije, ya me a mí por sector. तो फिर मैं कुछ इमरजेंसी लाइट निकालता हूँ, या इन्वर्टर चालू करता हूँ, या टॉर्च जलाता हूँ, या मोमबत्ती जलाता हूँ, मतलब पढ़ा तो अभी भी जा सकता है ना। लाइट का जाना ये एक सामान्य घटना है कि लाइट चली गई, और उसके बाद पढ़ना है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुझे पढ़ना है। तो फिर जब पढ़ना है, बहुत सारे लोग किताब बंद कर देते हैं कि बात खत्म हो गई, कि लाइट चली गई कैसे पढ़े। लेकिन जिसने पढ़ना है वो फिर तरीके ढूंढेगा। अब क्या मोमबत्ती में या लालटेन में या टॉर्च में या इमरजेंसी लाइट में वो जो शब्द हम पढ़ रहे हैं किताब से उनके मायने भी बदल जाते हैं क्या? लेकिन दिमाग में कुत्ता जन्म ले लेता है और लड़ने लगता है कि लाइट चली गई, लाइट चली गई। अब नहीं पढ़ सकते जैसे आप कहते हो, अब नहीं पढ़ सकते, बात खत्म हो जाती है। लेकिन दिमाग में आपने अगर कहा कि पढ़ना है मुझे, तो फिर बात बराबर है। यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो स्कूटर पर या साइकिल पर, और साइकिल रास्ते में पंचर होगी, और आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां से कुछ 5-7 किलोमीटर है, तो क्या फिर आप उस दिन एग्जाम देने का विचार त्याग दोगे? मेरे ख्याल से नहीं। आप साइकिल कहीं इधर उधर खड़ी करोगे, जो आसपास आपको लगता है उसको बोलोगे कि मेरी साइकिल खराब हो गई भैया, और मुझे एग्जाम निशन हॉल पे पहुंचना है, और यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप मेरी मदद करो। वो आदमी मना कर देता है कि मदद तो कर देता, लेकिन मेरे पास तो कुछ ना साइकिल है ना स्कूटर है। फिर आप सड़क पर देखते हैं कि कोई ट्रैक्टर जा रहा है या वो जा रहा है, तो आप उसको लिफ्ट मांगेंगे कि भैया वो कहेगा ट्रैक्टर के, मैं तो वहां तक ही जा रहा हूँ। मान लो आपका स्कूल 4 किलोमीटर है, और ट्रैक्टर वाले ने बोला कि मैं 2 किलोमीटर तक जाता हूँ, वहां से मेरा गांव मुड़ जाएगा तो मैं मुड़ जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? ट्रैक्टर को छोड़ देंगे या कहेंगे कि चल 2 किलोमीटर तो चलता हूँ, उस तो पहुंचूंगा। उस 2 किलोमीटर पे आने के बाद फिर आप देखते हैं कि अब 10 मिनट बची है और 2 किलोमीटर बचा है और कोई साधन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करते हैं आप? दौड़ लगाते हैं, आप चलना शुरू कर देते हैं, दौड़ लगाते हैं। आधा किलोमीटर चलते नहीं कि आप हाँफने लगते हैं, आपको थकान होने लगती है, आपको लगता है कि मैं अब दौड़ नहीं सकता, तो आप थोड़ा चलना शुरू करते हैं। चलते चलते थोड़ा एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चलते रहते हैं। लगातार आपका ध्यान घड़ी पे है, लगातार आप चल रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि मैं एग्जाम नहीं देना है, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो एग्जाम लिखना ही रखना है, साल खराब हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे की साइकिल पंचर होने के कारण वो एग्जाम ना दे पाया हो। आज तो बहुत साधन है, फोन करके कि पापा मम्मी को बुला लेगा या कुछ भी, या पापा मम्मी खुद ही छोड़ के आएंगे उसको। लेकिन इस बात से सारे लोग सहमत है कि अगर वो समस्या आ गई 4-5 किलोमीटर पहले कि एग्जाम से पहले वो साइकिल पंचर हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति उस साइकिल को, उस साइकिल की चिंता करेगा, इसको अब कहाँ, वो उसका जैसे तैसे इंतजाम करके देख लेगा, बाद में देखा जाएगा और वो एग्जाम लिखेगा। यही हाल हमारी जिंदगी का है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे लक्ष्य बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये करना है तो करना है, कुछ भी हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या कोई और काम हो। ये जो गुण है, ये गुण जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिसको आप समझदारी कहते हैं, कि अब समझ आ गई है, समझ ये आ जाती है कि तू ये नहीं कर सकता, जबकि इससे काम चलता नहीं है, इस समझ से काम चलता नहीं है, इस समझ से नुकसान होता है। जो काम की बात है वो ये है कि आपके दिमाग में एक बार फिक्स हो गया तो फिर रास्ते की परवाह नहीं कर रही, फिर मंजिल पे पहुंचने का ही जो टारगेट है वो इम्पोर्टेंट है।